हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द वैल्यू नॉलेज, जिसमें हम आपके साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको एकदम लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, हम हमारे चैनल में आपके साथ एक बहुत अच्छा नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर आप जैसे देख पा रहे हो, हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोज डाले हैं, जिनमें से कुछ तो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के ऊपर है, कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, कोई तो पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर है जिसमें आप घर बैठे काम कर सकते हो। हमने ब्लॉगिंग पे भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं दोस्तों, जिससे आपको ब्लॉगिंग रिलेटेड टिप्स मिलेगी। हमने करियर रिलेटेड वीडियोस डाले हैं, हमने लेटेस्ट एजुकेशन के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए। तो अब आप हमारे सारे वीडियो जरूर चेक करो, जिससे आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा और आपको एक एकदम वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हमने ये बताया है कि आपको आपके वेबसाइट पे इनवैलिड ट्रैफिक से कैसे बचना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये बात समझते हैं दोस्तों कि इनवैलिड ट्रैफिक होता क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है और आपको आपके वेबसाइट को कैसे उससे दूर रखना है। तो दोस्तों, ये हमारा खुद का ब्लॉग है traveltipsandguides.com। आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे मोजबार में हमारे वेबसाइट का लाइक डोमेन अथॉरिटी 32 है, मोर देन 3400 इस पे बैकलिंक्स है। और दोस्तों, ये सब हमने सिर्फ 6 महीने में अचीव किया है। वो कैसे अचीव किया है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, आप वो जरूर चेक करो। तो दोस्तों, अभी एग्जांपल के साथ हम आपको बताते हैं दोस्तों, जब हमारा वेबसाइट का गूगल एडसेंस अप्रूवल हुआ था, उसके कुछ महीने बाद वो वापस टेम्पररी डिसेबल हो गया। और वो क्यों हुआ, उसके रीज़न हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे गूगल एडसेंस का हमें मेल आया था कुछ दिनों बाद, तो वो अभी ओपन करके दिखाते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इन्होंने टॉपिक लिखा है एड सर्विंग लिमिट प्लेस्ड ऑन योर एडसेंस अकाउंट, और यहाँ पे इन्होंने रीज़न दिया है व्हाई हैज़ दिस हैपन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनवैलिड ट्रैफिक। तो दोस्तों, ये इनवैलिड ट्रैफिक होता क्या है वो समझते हैं दोस्तों। इनवैलिड ट्रैफिक ये होता है, यानी दोस्तों, आप कोई भी अगर ब्लॉग चालू करते हैं तो शुरू में तो आपका उस पर कुछ ट्रैफिक आता नहीं है दोस्तों, ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो बहुत कम आता है। तो दोस्तों, कोई भी नया ब्लॉगर होता है, वो एक बहुत बड़ी गलती करता है कि अपने वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए वो एकदम कोई तो शॉर्ट टर्म ट्रिक्स, शॉर्टकट्स यूज करता है, जिससे उसको फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है, उल्टा उसके वेबसाइट को डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों, इनवैलिड ट्रैफिक यानी ये होता है कि आपका अगर लाइक सोशल मीडिया से, लाइक सपोज फेसबुक, पिंटरेस्ट या फिर कोरा, इन सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो दोस्तों वो भी इनवैलिड ट्रैफिक में आता है। अगर आप कहीं पे भी आपकी जो वेबसाइट का लिंक है, आप कहीं पे भी व्हाट्सअप पे या फिर आप बहुत ज़्यादा जगहों पे शेयर करते हो और वहाँ से आपको आपका ट्रैफिक आ रहा है, क्लिक आ रहा है, लेकिन आपका अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों वो भी आपके गूगल एडसेंस अकाउंट के लिए हार्म कर सकता है। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपको आपका जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, उनसे जो ट्रैफिक आ रहा है और आपके जो ऑर्गेनिक विजिटर्स है, इनके बीच आपको एक अच्छा सा रेशियो मेंटेन करना है। कम से कम 50-50% तो आपका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि अगर आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती आप लाने की कोशिश मत करो। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग लाइक फेसबुक पे और ट्विटर पे और कहीं पे भी आप लिंक शेयर करते हैं ब्लॉग का, वहाँ से ट्रैफिक तो आ जाता है दोस्तों, लेकिन वो वेबसाइट से वो जो तरीके यूज़ करते हैं आप, उससे क्या होता है कि आपका बाउंस रेट बहुत बढ़ता है आपके वेबसाइट का। यानी वो लोग तो आपके वेबसाइट पे आ जाते हैं, लेकिन वो इमीजिएटली एग्जिट कर लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल, अभी हम आपको गूगल एनालिटिक्स में जाके एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे होता है, बाउंस रेट वगैरह का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों, अभी ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो ऑर्गेनिक सर्चेस है 644% यहाँ पे बाउंस रेट है, सोशल का भी देखो दो सर्चेस है 33। तो ये दोस्तों, अगर बाउंस रेट आपका 100% वो आ जाता है किसी भी कैटेगरी में, और वहाँ से अगर आपका बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो वो आपका गूगल एडसेंस के लिए बहुत
डैमेज कर सकता है और आपका गूगल एडसेंस अकाउंट हो सकता है टेम्पररली डिसेबल हो, आपको वार्निंग मिले, आपको एक महीने का ये मिलता है कि आप आपके ट्रैफिक पे काम करो वगैरह। लेकिन दोस्तों अगर ये चीज़ें बार बार होती है तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट हमेशा के लिए बैन हो जाएगा और फिर आपका एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स चला जाएगा। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखनी है दोस्तों कि कोई भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, आपको यही कोशिश करनी है कि आप आपके वेबसाइट पर अच्छा कंटेंट डालो, आपके कीवर्ड्स अच्छे से रैंक करो, जेन्युइनली रैंक होने दो, कुछ टाइम के बाद रैंक होने के बाद अपने आप ट्रैफिक आते जाएगा और फिर आप सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करके आपका ट्रैफिक बैलेंस रख सकते हो। तो दोस्तों आपको कभी भी ब्लॉग अगर आप नया नया स्टार्ट करते हो तो आप ट्रैफिक पे इतना ध्यान मत दो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप आपका गूगल एडसेंस से आपको इनकम अर्न करना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आना चाहिए और वहाँ पे क्लिक होने चाहिए। दोस्तों ऐसे अलग भी तरीके हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो, ये वो कौन से तरीके हैं उसके बाद ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं, आप वो ज़रूर चेक करो, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ ये याद रखनी है कि आपको आपके वेबसाइट पे जो भी एड्स दिखते हैं, अभी हमने हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट हमने खुद से डिसेबल करके रखा है क्योंकि दोस्तों अभी हमारे वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा है, लेकिन हम दूसरे ऐसे सोर्सेज से वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपके जो भी एड्स आपके वेबसाइट पे दिखते हैं वहाँ से आपको आप खुद से क्लिक नहीं करने हैं, ना ही आपको कोई रिलेटिव्स को बताने हैं कि आप वहाँ पे क्लिक करो। उससे क्या होगा दोस्तों, आप शॉर्ट टर्म में थोड़े पैसे तो मिल जाएंगे $5-10, लेकिन वो भी आपका इनवैलिड ट्रैफिक में ही आएगा और आपका गूगल एडसेंस अकाउंट हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा। तो ये गलती कभी मत करना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है वो आपको समझ में नहीं आए, तो हमने वही आपको बताया अभी कि जब भी आप आपका ब्लॉग अगर आप थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हो, आप अच्छा खासा टाइम दे रहे हो, तो ये शॉर्टकट तरीके मत यूज़ करो जिससे आपका इनवैलिड ट्रैफिक आए। आप यही सोचो कि आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। और ब्लॉगिंग पे ब्लॉग अगर आप बनाते हो तो उससे अर्निंग करने के गूगल एडसेंस के अलावा ऐसे और भी अलग तरीके हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके ऊपर हमने वीडियोस बनाए, आप वो जरूर देखो, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो में बस इतना ही बताता था कि इनवैलिड ट्रैफिक से आपको कैसे बचना है, आपको कैसे इन सारी चीज़ों से दूर रहना है जिससे आपका ब्लॉग अच्छा खासा ग्रो करेगा। और हमेशा दोस्तों लॉन्ग टर्म की सोचो, क्योंकि ब्लॉगिंग ये चीज़ होती है, ये लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा आपको रिटर्न देती है, आपको पेशेंस होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर ब्लॉगिंग के रिलेटेड आपको ऐसे बहुत सारे टिप्स चाहिए, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, प्रैक्टिकली हमने एक्सप्लेन किया है आप ब्लॉगिंग में सक्सेस कैसे पा सकते हो। आप हमारे वीडियो ज़रूर चेक करो, आप प्लेलिस्ट में अगर जाते हो हमारे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा प्लेलिस्ट ब्लॉगिंग टिप्स करके, वो आप चेक कर सकते हो, बहुत छोटे छोटे वीडियोस है और हमने ऐसे बहुत सारे टिप्स और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बताया है। इसके अलावा हमने वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाए हैं दोस्तों, आप वो भी चेक कर सकते हो जिससे आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर छोड़ सकते हो, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।